प्यारे बच्चों, समानांतर चतुर्भुज से संबंधित एक और प्रमेय हमारे सामने है और इस प्रमेय के आधार पर हमें यह सिद्ध करना है कि किसी समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समानांतर चतुर्भुज की जो शर्त है वो ये कहती है कि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं के जोड़े समानांतर होते हैं। अभी आपने प्रूफ किया है कि समानांतर चतुर्भुज का कोई विकर्ण उसे दो त्रिभुजों में बांटता है, वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब एक नई प्रॉपर्टी, एक नया गुण आपके सामने और आने वाला है जो आपको बताता है कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं। तो इसे हम देखते हैं एक प्रमेय के रूप में और इसे सिद्ध करते हैं। तो यदि हम सिद्ध करने की भाषा में यहां लिखें तो हम लिख सकते हैं कि भुजा ए बी, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजा ए बी बराबर है अपने सामने की भुजा सी डी के, और इसी तरह से भुजा ए डी बराबर है अपने सामने की भुजा बी सी के। इसे हमें देखना है क्या सचमुच में ऐसा होता है। यदि ऐसा होता है तो हमें एक नई चीज मिलेगी समानांतर चतुर्भुज के बारे में। तो चलिए पहले इसे हम दो त्रिभुजों में विभाजित करें और उसके लिए एक विकर्ण खींचे जो ए और सी शीर्षों को मिलाता है। हमने ये एक पटरी ली, सेट स्क्वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर, और बिंदु ए को सी से मिला रहे हैं। इसे हम इस कटी हुई लाइन से मिला दें। ये रचना ए सी की, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को दो त्रिभुजों में बांटती है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी। हम भुजाओं को यदि बराबर करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं जिन भुजाओं के बारे में बात कर रहे हैं वो दो अलग अलग त्रिभुजों की भुजाएं हैं। हम ए बी और सी डी को आपस में बराबर सिद्ध करना चाहते हैं और बी सी और ए डी को आपस में बराबर सिद्ध करना चाहते हैं। तो आपने पहले भी ये किया हुआ है कि जब हम भुजाओं को बराबर सिद्ध करना चाहते हैं तो त्रिभुजों के सर्वांग समता के गुण का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही हमने ए सी विकर्ण खींचा, ये समानांतर चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बट गया। यदि इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर पाए तो आप कह सकते हैं कि ये सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और आपने पहले वाले प्रमेय में ये सिद्ध किया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी या किसी भी चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। तो इस आधार पर आप सीधे सीधे भी कह सकते हैं, लेकिन फिर से हम एक बार उस प्रक्रिया को दोहराना चाहेंगे और हम देखेंगे क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के बारे में हम बात करें और देखें क्या यह सर्वांग सम है। तो आइए देखते हैं, ए बी और डी सी आपस में समानांतर है और ए सी तिरक रेखा उन्हें काट रही है। तो हम लिखें ए बी समानांतर डी सी या सी डी के, और तिरक रेखा ए सी उन्हें काटती है। तिरेक रेखा ए सी उन्हें काटती है। इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है। आप चाहें तो लिख लें कोण बी ए सी, इसलिए यहां चूंकि लिख सकते हैं आप यहां है, इसलिए कोण इस कोण को हम पढ़ेंगे बी ए सी। कोण बी ए सी बराबर है इस कोण के, इसे आप कोण डी सी ए कह सकते हैं, कोण डी सी ए के। मान लीजिए आपका कथन एक हुआ। अब इसी तरह से आप देखिए कि ए डी बी सी के समानांतर है। फिर से हम लिखें चूंकि ए डी समानांतर है बी सी के और समानांतर रेखा ए सी उन्हें काटती है, क्षमा करें तिरेक रेखा ए सी उन्हें काटती है, तिरेक रेखा ए सी उन्हें काटती है।
तो ऐसी स्थिति में ये जो कोण बन रहे हैं ये एकांतर कोण है और बराबर है, तो इस कोण को हम लिखेंगे कोण डीएसी, कोण डीएसी बराबर है इस कोण के, इसे आप लिख सकते हैं कोण बीसीए, कोण बीसीए, कोण डीएसी बराबर कोण बीसीए, ये आपस में बराबर है, ये आपका कथन दो हुआ। और भुजा एसी दोनों त्रिभुजों में है तो आप लिख सकते हैं एसी बराबर एसी, ये तीसरा कथन है जो त्रिभुज के तीसरे अवयव के बराबर होने के बारे में बात करता है। इन तीनों कथनों के आधार पर आप कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीडी के या त्रिभुज एडीसी के, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो पहले वाले त्रिभुज की भुजा ए बी दूसरे त्रिभुज की भुजा सी डी के बराबर होगी, तो हम लिख सकते हैं इसलिए ए बी बराबर डी सी या सी डी, और दूसरी भुजा ए डी अपनी संगत भुजा बी सी के बराबर होगी, तो इसे भी आप लिख सकते हैं भुजा ए डी बराबर भुजा बी सी, ये आप सिद्ध कर पा रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों में जो संगत भुजाएं हैं आपस में बराबर हैं, तो आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी आपस में बराबर है और ए बी और बी सी भी आपस में बराबर है, तो आप देख पा रहे हैं जो आपको सिद्ध करना था कि इस समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की आमने सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। तो एक नई प्रॉपर्टी आपको मिली, समानांतर चतुर्भुज का एक और गुण मिला कि किसी समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं।